दोस्तों अगर आप भी राशिद खान को अच्छा खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों पाकिस्तान के खिलाफ मिली शानदार जीत के बाद राशिद खान ने भारत का तिरंगा झंडा ले जाकर लगाए पूरे मैदान पर चक्कर और भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लगाने पर ICC ने पाया दोषी तो लगा डाला करोड़ों रुपए का जुर्माना। लेकिन देश के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी जी ने राशिद खान को बचाते हुए किया बड़ा ऐलान और जो कहा वो सुनकर पूरा भारत देश कर रहा है सलाम। तो दोस्तों आखिर क्या बोले मुकेश अंबानी जी वो तो आपको वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में से इस साल वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेगी? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों आपको तो पता ही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खेले गए वर्ल्ड कप के 22वें मुकाबले में पाकिस्तान की टीम ने यहाँ पहले बल्लेबाजी चुनकर 282 रन बनाए थे और 283 रन का विशाल लक्ष्य अफगानिस्तान के आगे था। हालांकि जब मुकाबला शुरू हुआ तो ऐसा लग रहा था कि किसी भी हाल में अफगानिस्तान की जीत इस मैच में हो नहीं सकती, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान के पास तो विश्व के नंबर वन गेंदबाज मौजूद है लेकिन अफगानिस्तान के पास बल्लेबाजी अच्छी नहीं थी। लेकिन दोस्तों अफगानिस्तान ने तो ठान लिया था कि इस बार वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम को ना हरा दिया और अपना बदला ना पूरा किया। जी हां दोस्तों यहां पर उन्होंने यही किया। यहां जब रहमानुल्लाह गुरवाज और इब्राहिम जादरान पारी की शुरुआत करने के लिए आए तो दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 130 रन जोड़ दिए थे। इस दौरान गुरवाज के बल्ले से 65 रन दिखे तो वहीं इब्राहिम जादरान ने 87 रन की पारी खेली और फिर अंत में आकर रहमत शाह ने शाहीन अफरीदी, हसन अली और हारिस रऊफ जैसे गेंदबाजों की जमकर परीक्षा ली और इनके पसीने छुटाकर रख दिए और रहमत शाह ने 77 रन बनाकर इस मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम को विजेता बनाया। तो वहीं दोस्तों इस मैच में मिली अफगानिस्तान को 8 विकेट से जीत तो पूरी अफगानिस्तान की टीम काफी ज्यादा खुश नजर आई। इस दौरान अफगानिस्तानी खिलाड़ी भारत का तिरंगा झंडा ले जाकर पूरे मैदान पर चक्कर लगाते हुए भी नजर आए और इस बीच यह काम राशिद खान ने किया और उन्होंने भारत का तिरंगा झंडा जैसे ही अपने हाथ में पकड़ा तो उन्होंने लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया और इस दौरान उन्होंने खूब जमकर भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे भी लगाए। लेकिन दोस्तों किसी को क्या ही पता था कि पाकिस्तान इस बार शांत बैठने नहीं वाला है और पाकिस्तान ने क्या किया, उन्होंने ICC से सीधा शिकायत कर डाली और राशिद खान ने जो उनको चिढ़ाने के लिए और नीचा दिखाने के लिए हरकत की थी उसके सबूत भी पेश कर दिए और फिर ICC ने बड़ा फैसला लेते हुए राशिद खान पर जुर्माना तक लगा डाला। और दोस्तों यहां पर फिर क्या था, राशिद खान पर करोड़ों रुपए का जुर्माना लग गया तो पूरा भारत देश भड़क उठा, क्योंकि दोस्तों राशिद खान ने कुछ ऐसा बीच मैदान पर करा नहीं था जिससे कि किसी भी टीम को शर्मिंदगी महसूस हो। और दोस्तों राशिद खान द्वारा बस भारत का तिरंगा झंडा ले जाकर भारत माता की जय के ही तो नारे लगाए गए थे, लेकिन ICC को न जाने इसमें ऐसा क्या दिखा, उन्होंने उन पर जुर्माना ठोकते हुए उनको सीधा टीम से ही बाहर कर डाला और यहां तक कि उनको वर्ल्ड कप से भी बाहर करने की प्लानिंग करने लगे। अब दोस्तों यहां पर राशिद खान का बीच बचाव करने के लिए भारत के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी जी सामने निकल कर आए, जहां उन्होंने कहा राशिद खान को बचाते हुए कि मैं क्रिकेट को काफी लंबे समय से फॉलो करता हूं, लेकिन इस बार जो राशिद खान ने भारत के लिए किया उसने हम सभी भारतीयों का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। आखिरकार कोई भारत देश का खिलाड़ी चाहे वो मुस्लिम हो या फिर हिंदू, वो भारत में आकर अगर भारत का तिरंगा झंडा ले जाकर लहराना चाहता है पूरे स्टेडियम में तो इसमें आपत्ति क्या है। राशिद खान ने इसमें कोई भी बुराई वाला काम नहीं किया। अगर हमारा भारत पाकिस्तान के खिलाफ जीतता है तो वो अगर भारत का तिरंगा झंडा लहरा सकते हैं उनके खिलाफ तो राशिद खान क्यों नहीं। राशिद खान भी तो दिल से भारतीय ही है और हमने सीखा है कि हम अपने सभी मेहमानों अतिथियों की काफी इज्जत करते हैं, इसलिए राशिद खान पर इस बार हम कोई भी जुर्माना लगने नहीं देंगे। अब ICC ने तो फैसला कर लिया है कि वो उन पर करोड़ों का जुर्माना लगा रहे हैं, लेकिन ICC हमारा भी एक फैसला जरूर सुन ले कि हम राशिद खान को कुछ भी नहीं होने देंगे, हम राशिद खान को बचाकर ही मानेंगे चाहे इसमें हमारे 25,000 करोड़ रुपए ही क्यों ना लग जाए। ICC को अगर 25,000 करोड़ रुपए चाहिए तो वो हमसे ले जाए और अपना ICC का पूरा हेडक्वार्टर ही हमको बेच दे, क्योंकि उन्होंने पैसा वसूल करने की अच्छी स्कीम ये चला रखी है। तो दोस्तों यहाँ पर मुकेश अंबानी काफी ज्यादा भड़कते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने यह बातें कहकर पूरे भारत देश का दिल जीत लिया। बाकी अब आप सभी क्या मानते हैं कि मुकेश अंबानी ने जो कहा है वो उन्होंने सही कहा या फिर गलत, क्या उनको ICC को ही 25,000 करोड़ रुपए देकर खरीद लेना चाहिए? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।